पन्ना में बिरला के बड़े डॉक्टरों की मिल रही है सलाह। एमपी बिरला टेली कम्युनिकेशन सेंटर में पहुंचे न्यूरो सर्जन नितिन कुलश्रेष्ठ। पन्ना की डॉक्टर भारती खरे हमेशा रहती हैं उपलब्ध। जरूरत पड़ने पर टेली कम्युनिकेशन के माध्यम से विशेष डॉक्टरों से मरीजों का इलाज करवाती हैं। पन्ना जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं सरकारी अस्पताल पर ही आधारित हैं। प्राइवेट अस्पताल ना के बराबर होने के कारण यहां के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। लिहाजा पन्ना के लोगों को कम खर्च पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, इसके लिए एमपी बिरला टेली कम्युनिकेशन सेंटर का संचालन बिरला हॉस्पिटल सतना कर रहा है, जिसमें रविवार के दिन बड़े डॉक्टर पन्ना में आकर सलाह देते हैं और मरीजों का इलाज करते हैं। आज विंध्य और बुंदेलखंड के एकमात्र बड़े न्यूरो सर्जन डॉक्टर नितिन कुलश्रेष्ठ पन्ना पहुंचे और उन्होंने मरीजों का इलाज किया। बहिसागर स्थित बिरला टेली कम्युनिकेशन सेंटर में सुबह से ही मरीजों की भीड़ लगी रही और पूरे दिन उन्होंने लोगों को सलाह दी। इस बीच बिरला अस्पताल की सह संचालक डॉक्टर महेश्वरी भी मौजूद रही। सर्जन श्रीमती महेश्वरी ने बताया कि पन्ना शहर में प्रसूति रोग विशेषज्ञ हार्ट सर्जन सहित सभी विभागों के डॉक्टरों को क्रमशः हम प्रत्येक रविवार भेजते हैं। जो भी मरीज बाहर इलाज नहीं करा सकते वे पन्ना के हमारे सेंटर पर आकर इलाज करा सकते हैं। अच्छा और सुलभ इलाज उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। देखिए, पिछले साल से हम लोगों ने पन्ना में टेली कंसल्टेशन सेंटर चालू किया है बिरला हॉस्पिटल सतना ने। टेली कंसल्टेशन सेंटर का मतलब ये होता है कि पेशेंट यहाँ से बैठ के हम लोगों को वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं। उन्हें बार बार सतना हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं। एक बार आ गए उसके बाद हमने जो भी लिखा या दोबारा कोई प्रॉब्लम हो रही है या कुछ दवाई बदलवाना चाहते हैं तो वो ये पन्ना सेंटर पर आएँ। यहाँ पर हमारे डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं पूरे हफ्ते में। शाम को 4 बजे तक डॉक्टर भारती हैं, यहीं पन्ना से हैं, तो वो हमारे यहाँ इस माध्यम से जैसे किस तरीके से कर सकती हैं। जैसे ये देखिए, ये डॉक्टर सतना में बैठे हुए हैं और मेरी ओपीडी में बैठे हैं, तो मैं यहाँ से बैठ करके उनसे कांटेक्ट कर सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, और इसी तरह से डॉक्टर भारती यहाँ बैठ करके पेशेंट्स को हम में वहाँ कांटेक्ट करवाती हैं और हम लोग फॉलोअप करते हैं, पेशेंट को एडवाइस देते हैं। दवाई कुछ बदलना है तो उसके लिए उन्हें बार बार आने की ज़रूरत नहीं है। इससे उनका समय बचता है और पैसा बचता है। इस बीच डॉक्टर कुलश्रेष्ठ ने बताया है कि सिर की चोट प्राणघातक होती है, इसके लिए यातायात नियमों का पालन करना अनिवार्य है। अगर सभी यातायात नियमों का पालन करते हैं तो दुर्घटना से बचा जा सकता है और दुर्घटना की स्थिति में सर्वाधिक मौत हेड इंजरी से होती है, लिहाजा इनसे बचना पहला उपाय है। यदि कभी दुर्घटना में हेड इंजरी हो जाती है तो घरेलू और परंपरागत इलाज में किसी भी कीमत में ना पड़े, तत्काल हॉस्पिटल पहुंचे। चिकित्सीय परामर्श में डॉक्टर न्यूरोसर्जन कुलश्रेष्ठ ने आगे कहा कि एमपी बिरला टेली कम्युनिकेशन सेंटर में 24 घंटे में सलाह के लिए उपलब्ध रहता हूं, ऑनलाइन रहता हूं और हमारे सतना स्थित बिरला हॉस्पिटल में सक्रिय उपलब्ध है, लिहाजा जब भी किसी को जरूरत पड़े हमारे हॉस्पिटल में आकर इलाज करा सकते हैं। ज्ञात हो कि विंध्य और बुंदेलखंड में कोई भी न्यूरोसर्जन नहीं है। हेड इंजरी की स्थिति में लोगों को जबलपुर, नागपुर, भोपाल जाना पड़ता है। ऐसे में नितिन कुलश्रेष्ठ की सेवाएं दिन और दिन बुंदेलखंड में कारगर साबित हो रही हैं। सबसे पहले तो मैं एमपी बिरला ग्रुप का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने ये आउटरीच ओपीडी, यह जो है हमारे एमपी बिरला हॉस्पिटल ग्रुप सतना का आउटरीच ओपीडी है, जिसमें हम टेली कंसल्टेशन के माध्यम से और फिजिकल अपीयरेंस दोनों मोड में हम लोग मरीजों का उपचार कर रहे हैं, जिसमें कि हम यहाँ पर प्रॉपर जिस समय बिरला अस्पताल में उपचार हो रहा होता है उस समय यह टेली कंसल्टेशन सेंटर भी खुलता है और यहाँ पर एक डॉक्टर भी अपॉइंटेड है जो कि मरीज को देखते हैं, उसका उपचार करते हैं और उसमें और फिर उस हमसे वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू हमसे प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके मरीज को देते हैं। और यदि चोट हो गई है, सिर की चोट लग गई है मरीज को किसी भी कारणवश, तो कुछ मैं महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहूँगा। यदि मरीज बेहोश हो जाता है और यदि जब जिस वक्त चोट लगी है उसको अमनेजिया कहा जाता है, उस वक्त की याददाश्त खो जाना, कान से या नाक से या मुंह से खून आना, उल्टियाँ होना, एक से अधिक उल्टियाँ होना या मिर्गी का दौरा पड़ना,
इस प्रकार के लक्षण यदि किसी भी सिर की चोट में मरीज को मिलते हैं तो हमें जल्द से जल्द उस मरीज को ऐसे सेंटर पर ले जाना चाहिए जहाँ न्यूरोसर्जन या न्यूरोसर्जरी की सुविधा उपलब्ध है और प्राइमरली जहाँ पर सीटी स्कैन करके देखा जाता है और फर्दर यदि ऑपरेशन की आवश्यकता होती है तो ऑपरेशन किया जाता है और यदि मरीज बिना ऑपरेशन के ठीक होना है तो उस प्रकार से उपचार किया जाता है।